देर रात अचानक इंदौर की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल पलासिया थाने में प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। ये कार्यकर्ता नशे के खिलाफ चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस का दल आया और कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू कर दिया, जहां कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस घटना को लेकर बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन लोगों पर जबरदस्ती लाठी बरसाना शुरू कर दिया था। भाई साहब, आज पलासिया चौराहे पे क्या घटना थी और किस विषय में आप वहां पे गए पहुंचे थे? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर आज हमने यहां पर नशाखोरी को लेकर एक आह्वान करा था, एक धरना देने का प्रदर्शन किया था। चेतावनी दी थी कि बढ़ते अपराध और बढ़ती नशाखोरी के लिए पलासिया थाना में जिस प्रकार से ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर, और एक हमारे कार्यकर्ता अनिल पाटिल जिस पर लगातार नशा मुक्त जिसने नशा का व्यापार करता था, माज खान जो कमाल खान का छोरा, उसकी रिपोर्ट पर, उसके कहने पर, माज खान के कहने, कमाल खान के कहने पर लगातार झूठी FIR दर्ज हुई हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि कार्यकर्ता बिना सूचना के प्रदर्शन कर रहे थे। जब पुलिस के समझाने के बाद भी धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया गया तो हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इनके द्वारा अचानक ही जो है पलासिया चौराहे पे आ गए और यहाँ रास्ता को रोक दिए, चारों दिशा से जो है जाम की स्थिति पैदा हुई और लोग परेशान थे। पुलिस के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर। सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए सर? हाँ, जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस के जवान भी कुछ घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, उनका भी मुलायजा किया जाएगा। साथ ही जो है जो विधिवत कार्रवाई है पूरी कार्रवाई। सर, इनकी मांग क्या थी, मुख्य काम मांग जो इन्हें आज यहाँ पे प्रदर्शन किया? उनके द्वारा कोई लिखित में मांग नहीं प्रस्तुत की गई किसी भी तरीके से, कि कोई लिखित में मांग आज उनके द्वारा कोई प्रस्तुत की गई या कार्यक्रम की कोई सूचना विधिवत दी गई हो, ना कोई परमिशन ली गई उनके द्वारा किसी भी तरीके, और अचानक ही आके यहाँ प्रासिया चौराहे पर। इस घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया है। विषय शाम को ही संज्ञान में आ गया था और वैधानिक कार्रवाई भी हुई थी। जो पुलिस ने उनके साथ में किया है उसको संज्ञान में लेते हुए हमने तय किया है कि ADG स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहां पर सारे पहलुओं की जांच करेगा और वहां जो इंचार्ज TI थानेदार हैं उन्हें तत्काल लाइन अटैच कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने जेल में बंद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सुबह ही रिहा कर दिया। वहीं अब इस पूरे मामले की ADG स्तर के अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।